आई एम सॉरी गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। स्वागत है एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया होंगे, मौज ले रहे होंगे। नहीं भाई, लोग मुझे ऐसे स्टेयर कर रहे जैसे कैमरा ना हो ये बंदूक को। सो गाइस, आज ओखला जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? दो तीन कमियां जो बाइक में थी, जिसने मेरी पहली वाली वीडियो देखी जो फर्स्ट सर्विस की थी, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये टूट गया हाथ में आ गया था मेरे, और चेन लूज है, एंड जो मेरी बाइक राइट पुल होती है, जो कि मुझे कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ भी यही तकलीफ है कि बाइक जो है ना उनकी राइट में पुल होती है, और मेरी भी अगर मैं हाथ छोड़ दूँ तो राइट को भागती है। सो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आई डोंट नो, मैं क्योंकि काफ़ी सारी बाइक्स उनके पास कंप्लेंट आ रही है जो कि राइट में भाग रही है। सो कोई दिक्कत नहीं है, आज जा रहे हैं सही टाइम से। टाइम हो रहा है 11:27, बहुत सही टाइम आज मैं निकल गया, जल्दी उठ गया था, जबकि कल रात मैंने 12:00 बजे तक पार्टी करी है फुल पावर। एक दो दिन शायद मुझे बाइक ये छोड़नी पड़ेगी। तो मैं गाइस पहली अपडेट आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि वर दीज गाइस एबल टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, जो बाइक राइड खिंच रही है, जो वाइब्रेशन है इधर, और चेन तो खैर लूज और टाइट होती रहती है, उसको कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। गोप्रो ने दे दिया भाई धोखा। आज घर से निकलने से पहले बैटरी देख लेना इसकी, ये बड़ी फुद्दू चीज़ है गोप्रो। ट्री है 7%। सो इसको तो मैं कैसे कंटिन्यू करूँगा, अभी रुका था पानी पीने। ये देखो भाई, आई एम सॉरी बाबू। कोई बहुत तगड़े फ्लिप साइको आशिक ने आई एम सॉरी बाबू, या लड़की भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम सॉरी के पोस्टर लगा रखे हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं रूम में क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं बाइक चला रहा था। उस दिन तो मैं अपनी बाइक दिया था, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आ गए थे, हमने सारा सामान अपना इधर से उधर करके बाइक छोड़ दी थी। बाइक छोड़ी थी कब? 19th of October को बाइक छोड़ी थी ओखला में। आज हो रही है फ्राइडे द 4th ऑफ नवम्बर। सो आप देख सकते कितने दिन हो गए, मैं तो मतलब हिसाब भी नहीं लगा रहा, आप खुद लगाइए इतने दिन क्यों लग गए। अब जो मेरी इनसे फोन में बात होती रही है, साइड मिरर नहीं आया 15 दिन के अंदर अंदर, 16 दिन हो गए होंगे। साइड मिरर जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल साइड मिरर जो होता है गाइस, नहीं है, चेन्नई से आ रहा है, चेन्नई नहीं, वो भाई युगांडा से मंगा रहे हैं, अभी तक नहीं आया। आज इतने दिन बाद ही मुझे क्या अपडेट मिली है कि सर मिरर तो नहीं आया, तो अब जाके देखते हैं क्या सीन है भाई। बाइक तो उठा रहा हूँ। सो गाइस पहुँच चुके हैं BMW मोटोराड, और ये खड़ी अपनी बाइक। भाई चलो, इन्होंने ये तो मंगा दिया था, इसका हो गया, बाइक की वाइब्रेशन चली गई है, चेन टाइट हो गई है, बाकी बाइक तो भाई बहुत दिनों बाद आई है हाथ में ना अपने। सो गाइस बहुत दिन बाद यार अपनी बाइक हाथ आई है, 19th को दी थी दिवाली से पहले, और आज हो गया 4th ऑफ नवंबर। 19th ऑफ अक्टूबर को दी थी, 4th ऑफ नवंबर को भाई बाइक वापस मिली है। और अभी जो राइट साइड की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी कम है, जो लोअर स्पीड है ना, लोअर स्पीड पे दिक्कत है कि राइट टर्न होती है, पर स्पीड जब तेज़ होती है 40-50 के ऊपर तब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मैं मैन्यूवरिंग देख रहा हूँ इधर उधर ना, ऐसे सांप बना के देख रहा हूँ इसको, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। दे सांप ऐसे लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही यार, सॉर्टेड है, वाइब्रेशन भी चली गई, ये भी नया लग गया। सो टाइम जरूर लग गया, बट भाई BMW ने काम तो करवा दिया। रामी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह। मगर क्यों? बिजनेस। और टाइम पर बहुत ज्यादा लगवा दिया ब्रो, बहुत ज्यादा। सो अभी तक तो ठीक है यार बाइक, बड़े दिन बाद भगा रहा हूँ, मजा आ रहा है।
वाओ, अब उतनी लीन तो नहीं जा रही भाई, देखो हाथ छोड़ दिए तो उतना तो नहीं है, बट हल्का सा लगता है, फील होता है जैसे राइड में भागती है, बट वो तो इस बाइक की भाई पैदाइशी प्रॉब्लम है आई गेस, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसके पास 310 अपाचे है RR, तो उसको भी ये प्रॉब्लम आ ही रही है, सो पर ज़्यादा नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, अब जीवन में परफेक्ट तो भाई कुछ भी नहीं है ना, तो ये भी कैसे होगी, बट ऑल ओवर मज़ा आ गया, बाइक मिल गई बहुत दिन बाद यार, सॉर्टेड है। एग्जॉस्ट की साउंड से सारे उड़ गए, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी ऊपर वापस आ जाएंगे, इधर ही बैठ जाएंगे। सो गाइस, बाइक आ चुकी है अपने हाथ में, और कल मैं बाइक लेके आया था तो मैंने इसका सोचा कि जब वीडियो को एंड करूँगा तो आज करूँगा। गाइस आप देख सकते हैं इन्होंने नया लगा के दे दिया है, ये नया बैक व्यू मिरर इन्होंने लगा के दे दिया है, और इसकी कॉस्ट मुझे अराउंड पड़ी 1200 अराउंड समथिंग, सो काम उन्होंने अच्छा कर दिया है, और यहाँ की आप वाइब्रेशन देख सकते हैं, किसी तरह की कोई वाइब्रेशन अब नहीं है, और चेन भी टाइट कर दी है, सो ओवरऑल टाइम बहुत ले लिया इन लोगों ने, बट बाइक ठीक कर दी है, और राइट की जो पुलिंग की प्रॉब्लम थी वो भी कुछ खास है नहीं, इग्नोर कर सकते हैं आप। सो आज के लिए गाइस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, चीयर्स, थैंक यू।